वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास फोर। टुडे आई विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर। क्लास फोर तो आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, चैप्टर 13, अ क्लीन वर्ल्ड, एक साफ सुथरा संसार। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, कुछ अनजम्बल कुछ अनस्क्रैम्बल स्पेलिंग्स हैं, इनको करेक्ट करके लिखना है। जैसे फर्स्ट स्पेलिंग है एनर्जी की, तो हमने एनर्जी का फुल ब्लॉक लेटर में हमने उसका स्पेलिंग लिख दिया, ENERGY। प्लांट्स PLANTS, एनिमल्स ANIMALS, एंड फ्यूल FUEL, फ्यूल। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर। आर वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये संसार दो चीज़ों से मिलकर बना है, जीवित और अजीवित चीज़ों से। लिविंग थिंग्स कंप्राइज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जीवित चीज़ों में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। द नॉन लिविंग एनिमल इन नेचर, जो नॉन लिविंग एनिमल्स हैं, एलिमेंट हैं प्रकृति के, वो है एयर, वाटर, सॉयल, हीट, लाइट। ये सारे नॉन लिविंग हैं जो कि सांस नहीं लेते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्हें हम प्रकृति के स्रोत भी बोलते हैं, एज दे आर अवेलेबल इन नेचर, क्योंकि ये प्रकृति में पाए जाते हैं। एंड कैन बी यूज बाय पीपल इन मैनी वेज, और कई तरीके से लोग इनका यूज करते हैं। इन नेचर प्रकृति में देर इज अ बैलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। प्रकृति में एक संतुलन है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का। दिस बैलेंस गेट्स अपसेट व्हेन वन ऑफ देम इज डिस्टर्ब। ये बैलेंस कहीं ना कहीं अपसेट हो जाता है यदि किसी एक को भी हम परेशान करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेवलप्ड लिविंग थिंग्स इन नेचर। इंसान कहीं ना कहीं एक मोस्ट डेवलप्ड लिविंग थिंग है प्रकृति का, बट देयर एक्शन हैव अपसेट द बैलेंस इन नेचर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसका काम देखें, वो अपसेट हो जाता है प्रकृति में। देयर इंक्रीज नंबर हैज़ लीड टू अ ग्रेट इंक्रीज इन देयर नीड। उनका नंबर यदि बढ़ जाता है, यदि उनकी ज़रूरत बढ़ जाती है, इट ऑल्सो लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर वेस्ट ऑल अराउंड। इसके वजह से कई बार वेस्ट भी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। दीज वेस्ट हैव स्पॉइल्ड द एयर। ये वेस्ट कहीं ना कहीं पूरी हवा को नष्ट कर देता है, वाटर को और लैंड को, जो भी चारों तरफ होता है। एडिशन ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंस। इस प्रकार से ये हार्मफुल सब्सटेंस जो ऐड हो जाते हैं प्रकृति के स्रोत में, वो कहलाते हैं पॉल्यूशन। और ये जो सब्सटेंस होते हैं, जो पॉल्यूशन, जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूटेंट मैनी कंसिस्ट ऑफ ग्रास, स्मोक एंड फ्यूम्स एंड डस्ट। जो हवा वाला जो वायु प्रदूषण होता है, उसमें गैसेस, स्मोक यानी धुआं, फ्यूम्स जो धुंध होती है, और धूल, इन सब की वजह से होता है। दे कैन बी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल, इसमें छोटे छोटे स्मॉल सॉलिड पार्टिकल, ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड की ड्रॉप्स और गैसेस की ड्रॉप्स होती हैं। दिस द पॉल्यूटेंट कैन बी ह्यूमन मेड और नेचुरल। ये जो प्रदूषक तत्व है, ये इंसान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा भी बने हुए हो सकते हैं। कॉजेज देखिए, स्मोक रिलीज फ्रॉम फायर, हवा से जो स्मोक निकलता है, या फ्यूल जो जलता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फ्यूल मतलब ईंधन, ये भी एक कारण होता है एयर पॉल्यूशन का। बर्निंग ऑफ वुड यानी के लकड़ी का जलना, कोल, पेट्रोल, डीजल, इन सब का जलना, इनसे जो धुआं निकलता है और जो धुंध निकलती है, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल से, फैक्ट्री से, पावर प्लांट से, वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है, उन सब से भी एयर पॉल्यूशन होता है। इंसिनरेटर्स होते हैं भस्मक, भस्मक भी जो बर्निंग वेस्ट निकालते हैं, जैसे आपके ईंटों का भट्टा हो गया है क्या, उनसे भी जो धुआं निकलता है, वो भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन करता है। नेक्स्ट, वॉल्केनोस टू प्रोड्यूस स्मोक। यहाँ तक कि ज्वालामुखी से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं, राख, केमिकल्स निकलते हैं जो हवा को पोल्यूट करते हैं। कुछ पॉल्यूटेंट जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है या क्या, उससे भी हवा अफेक्ट होती है। तो ये बहुत बड़े कारण हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। लेट्स कम ऑन एसिड रेन। हम लोग एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे। एसिड रेन क्या होता है? व्हेन फ्यूल आर बर्न, जब फ्यूल जलते हैं फैक्ट्रीज में, तो गैसेस निकलती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये निकलती हैं। दीज गैसेस कंबाइन विद मॉइस्चर, इन गैसेस में नमी होती है जिससे एसिड बनता है। व्हेन इट रेन्स, जब वो बारिश होती है, दीज एसिड कंबाइन विद रेन ड्रॉप, तो ये रेन ड्रॉप के तौर से नीचे गिरती हैं पृथ्वी पर, और इसे हम एसिड रेन बोलते हैं। दीज एसिड ऑल्सो कंबाइन विद हेल, इन एसिड्स में ओले, स्लेट और स्नो सब होता है। एसिड रेन पॉल्यूट्स, एसिड रेन कहीं ना कहीं पानी को और बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं, फिश को मार देती हैं। इट ऑल्सो डैमेज, ये कहीं ना कहीं खेती बाड़ी को, बिल्डिंग को बिल्कुल डैमेज कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। एसिड रेन कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इट फॉल्स ऑन। एसिड रेन जिस जिस चीज़ पर गिरती हैं, उन सबको नष्ट कर देती हैं।
अब देखिए इसका इफेक्ट देखिए, एयर पोल्यूशन कैन कॉज, हवा के पोल्यूशन से कफ खांसी, सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन होती है। व्हेन स्मोक गेट्स, जब धुआं फॉग के साथ मिक्स होता है तो स्मोक बनाता है। ये स्मोक स्टेज क्लोज टू द सर्फिस लेवल, ये सर्फिस लेवल पर आता है एंड क्रिएट्स अ हेज रिड्यूसिंग विजिबिलिटी, और कहीं ना कहीं हमारी देखने की क्षमता को भी कम कर देता है। ये देखिए इसे बोलते हैं स्मोक, धुंध जो होती है बहुत ज़्यादा। सो टुडे योर टॉपिक रिलेटेड विद एयर पॉल्यूशन एसिड रेन इज कम्प्लीट। थैंक यू क्लास।